सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी कपकेक की रेसिपी, जो कि हमने कटोरी में बनाकर तैयार किए हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। और इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हमने कढ़ाई में बनाया है। सो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हमारे कपकेक्स बनकर तैयार हुए हैं। सो गाइस, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सूजी कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में आधा कप चीनी मैं ले रही हूँ, इसके साथ ही आधा कप दही हम इसमें ऐड करेंगे। दही और चीनी के साथ 1/4 कप ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपको बहुत ही अच्छे से मिला लेना है विस्क की हेल्प से। तो यहाँ पर जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाते, तब तक आपको इन्हें मिलाना है करीब 3 से 4 मिनट के लिए। सो जितने अच्छे से आप इसे फेंटेंगे, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी केक आपका यहाँ पर बनकर तैयार होगा। करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चीनी भी अच्छे से घुल गई है, सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी अवेलेबल नहीं है तो मोटी वाली सूजी को आप मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। तो सूजी को हमने इसमें ऐड कर दिया है, फिर से हम बैटर को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। सो अभी हमें इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है, पहले 1 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे, उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी उतना दूध हम इसमें डालेंगे। तो पहले ढक कर इसे रेस्ट पर छोड़ दीजिए, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। बैटर को रेस्ट पर रखे हुए करीब 1 घंटा हो गया है, तो आप देख सकते हैं सूजी जो है वो अच्छे से फूल गई है, बैटर हमारा हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो 2 से 3 चम्मच दूध मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, तो बहुत सारा दूध आपको एक साथ नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दूध डालने के बाद बैटर को हम फिर से बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको करना है ना बहुत ज़्यादा पतला करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर के साथ आधा चम्मच यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बेकिंग सोडा। तो दोनों इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए हैं, इसके साथ ही और ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए आधा नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नींबू के बीज मैंने निकाल दिए हैं और मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के ऊपर ही मैंने नींबू को डाला है, जिससे कि अच्छे से रिएक्शन करे। तो यहाँ पर तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं, बैटर को हम 4 से 5 सेकेंड के लिए अच्छे से मिला लेंगे। सो मिलाने के बाद आधा चम्मच के करीब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद अगेन आप इसे 3 से 4 सेकंड के लिए मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कटोरी ले लीजिए मीडियम साइज़ की, जिसमें हम केक को बेक करेंगे। तो कटोरी को सबसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना होगा, तो अच्छे से इसमें तेल लगा लीजिए, उसके बाद ही बैटर को आप इसमें डालिए। सो कटोरी में बैटर डाल दीजिए, यहाँ पर आधा कटोरी बैटर ही आपको डालना है, क्योंकि केक जो है वो अच्छे से फूल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर तक भर देते हैं तो कटोरी से बाहर जो है वो केक निकल सकता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आधा कटोरी भर रही हूँ, इसी तरह से आपको बैटर को डालना है कटोरी में। तो जिस कढ़ाई में मैं केक बना रही हूँ उसमें सिर्फ 4 कटोरियाँ यहाँ पर बन पाएंगी, इसलिए मैंने 4 कटोरी लिए हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी कढ़ाई है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 6 कटोरियाँ बन जाएँ। तो जो बचा हुआ बैटर है उसे मैं सेकंड टाइम में बेक करूँगी कटोरी में भर के। पहली बार में मैं यहाँ पर 4 कटोरी में केक को बेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर बैटर हमने डाल दिया है, हम ऊपर से थोड़ी टूटी फूटी डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल सकते हैं, इससे केक देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो टूटी फूटी हमने इसमें डाल दी हैं। सो जिस कढ़ाई में आज हम केक बना रहे हैं उसे हमने पहले ही स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है, तो इस स्टेप को आप स्किप मत कीजिए, प्रीहीट ज़रूर करना है कढ़ाई को। तो कढ़ाई में नीचे मैंने नमक डाल दिया है, एक स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक जालीदार प्लेट रख दी है। कटोरी को हम एकदम सेंटर में रख देंगे, उसके बाद ढककर हम करीब 30 से 35 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे स्लो फ्लेम पर। तो आप इसे ढक दीजिए, उसके बाद 30 से 35 मिनट के लिए केक को बेक कर लीजिए। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्लो फ्लेम पर ही आपको केक को बेक करना है। तो यहाँ पर चलिए केक को बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। सो अराउंड 30 to 35 मिनट्स हो चुके हैं, केक हमारा अच्छे से फूल गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो नाइफ़ या टूथपिक की हेल्प से आप एक बार चेक कर लीजिए, बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है।
तो यहाँ पर कटोरी को आप कढ़ाई में से निकाल दीजिए, उसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ठंडा होने के बाद ही केक को आपको कटोरी में से निकालना है, उसके पहले बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। सो कप केक्स हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो यहाँ पर नाइफ़ को आप पहले किनारे से इस तरह से चला दीजिए, उसके बाद आप एक प्लेट ले लीजिए और इन्हें निकाल लीजिए। सो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये निकल गया है कटोरी में से, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, और बहुत ही आसानी से हमने इन्हें बनाकर तैयार किया है। जैसा कि आपने देखा, तो मैं इन्हें आपको कट करके भी बताऊंगी कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी कपकेक्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो एक और मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसे निकाला है। दिखने में जितना ज़्यादा टैम्पटिंग ये लग रहे हैं, वो खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी हैं दोस्तों। सो कट करने से ही आपको समझ आ गया होगा कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी कपकेक्स हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं दोस्तों। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और आप लोग भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपके कपकेक्स कैसे बने हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ हमेशा मैं लाती रहती हूँ। तो जल्दी ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।